इसकी पैकिंग हो रही है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सौंफ की पैकिंग चल रही है और जीरे की पैकिंग चल रही है। अच्छा, ये जीरा, ये सौंफ, ये कितने कितने, ये 10 रुपए MRP पे है। अच्छा, ये 10 रुपए का प्रोडक्ट, जैसे आपको देख सकते हैं मैडम, देखिए किस तरह से ये पैक कर रहे हैं, इसमें स्टेपल हो रहे हैं ये, और ये पूरे पत्ते इनका कच्चा माल जो है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त युगल। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिसे आप अपने गांव से, अपने घर से, अपने शहर से छोटे से रूप में, छोटी सी लागत से, कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आज आया हूँ भोपाल शहर स्थित निवारे स्पाइसेस, निवारे मसाले, ये इनका लघु उद्योग है और ये काफ़ी अच्छे से पिछले 4-5 सालों से रन कर रहे हैं। और ये जो ऑनर है इनका नाम है सर, आपका नाम? सुमन निवारे। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। काफ़ी जो आपके प्रोडक्ट हैं हम किराना स्टोर पर देखते हैं और आज फाइनली आपसे मिलने का मौका मिला, तो सर क्या क्या दिखाना चाहेंगे आज आप हमें? मैं अपना पूरा सारे प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा आपको, और जो भी नए एम्प्लॉई ये जॉब छोड़ के बिजनेस में आना चाहते हैं, अधिकतर आजकल जैसे बाबा साहब कहते हैं कि नौकरी करने वाले नौकरी देने वाले बनो, तो उसी सिद्धांत पे सभी बच्चों को आगे चलना चाहिए। तो मैं एक थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ आप लोग की, अपने प्रोडक्ट बता के आपको पूरी डिटेल दे के, जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस पर राय दे के, सजेशन कर के, जो भी मार्गदर्शन आपको दे सकता हूँ। तो सर सबसे पहले आप हमें अपने प्रोडक्ट दिखाएं। बिल्कुल, चलिए आइए मैं दिखाता हूँ आपको अपने प्रोडक्ट। ये इस टाइप के हम लोग प्रोडक्ट चलाते हैं जी जी, जो कि पत्तों में कुछ आइटम रहते हैं जो कि अधिकतर स्लम एरिया में चलते हैं जी, जैसे ड्राई फ्रूट में हो गया काजू बादाम पंचमेवा इलायची खोबरा खीर चिरौंजी, इस टाइप के आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये 10 रुपये बिक्री का है, जिसमें काजू भी है, बादाम भी है, पंचमेवा भी है, इलायची भी है, लौंग भी है, काली मिर्ची भी है। लगभग 20 से 30 पत्ते अलग अलग प्रकार के भैया अपने यहाँ बनाते हैं, जिसमें 5 वाले ही पत्ते ये रखे आप सकते हैं। तो सर ये जो दुकानदारों को है जी, कितने का आप सेल करते हैं? अब जैसे अपन 10 वाले पत्ते, जैसे 5 वाले पत्ते की बात करें, ये सौंफ का पत्ता जी जी, ये अपन दुकानदार को 30 रुपये में देते हैं, दुकानदार को 20 रुपये की मार्जिन छोड़ते हैं। मतलब दोस्तों पर पत्ते में 10 पीस आते हैं, जैसे दुकानदार पर पीस सौंफ का 5 रुपये का बेचेगा तो उनके 50 बनेंगे, 50 बने, मतलब 3 रुपये का उनको पड़ेगा। बिल्कुल, और 50 रुपये बनेंगे। बिल्कुल इसी टाइप से 10 रुपये के भी रहते हैं जी जी, जैसे 5 का पत्ता है तो इससे 10 के सौंफ का पत्ता है, जो भी प्रोडक्ट अपने 5 के हैं वो 10 के भी रहते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट 5 के नहीं रहते हैं, जैसे कुछ महंगी चीज खसखस हुआ, अपना दालचीनी हुआ, XYZ जो भी कॉस्टली चीज आती है वो 5 में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो 5 वाला जो पत्ता है वो रेडी होकर दुकानदार को 30 का पड़ता है, और 10 वाला जो पत्ता है 10 वाला पड़ता है अपना 60 रुपये का, जस्ट डबल। और जो ड्राई फ्रूट के पत्ते ये पड़ते हैं 5 वाला 35 का और 10 वाला 70 रुपये का। ड्राई फ्रूट में क्या क्या आता है? ड्राई फ्रूट में काजू बादाम किशमिश कोबरा इलायची पंचमेवा, हाँ पंचमेवा खीर चिरौंजी। तो कोई भी दुकानदार आपसे संपर्क करके ये पत्ते आपसे खरीद सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं, होलसेल रेट पे, रिटेलर रेट पे, दोनों में हम होलसेल रेट दोनों चलाते हैं। और जो दुकानदार जो आपसे कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो रहा है, जो आउट ऑफ MP का है, उसे भी आप अपनी? बिल्कुल, ये हमारा ऑल ओवर इंडिया मिर्ची धनिया हल्दी हमारे दूसरे प्रोडक्ट भी चलते हैं जो कि हम डायरेक्ट नागपुर से डील करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग सप्लाई देते हैं। जैसे भी राजस्थान में जाता है पांडिचेरी, वो अपना तमिलनाडु में जाता है, गुजरात में जाता है, इंदौर में भी सप्लाई जाती है जी जी, और अपना महाराष्ट्र में मुंबई तक सप्लाई, 4-5 जगह पे अपनी बड़ी बड़ी सप्लाई जाती है जो बल्क क्वांटिटी में माल। इसके अलावा आपके और क्या प्रोडक्ट्स हैं? हाँ, इसके अलावा हमारे कुछ जैसे प्रोडक्ट चलते हैं सोयाबीन बड़ी जी जी, ये अपन 10 रुपये और 20 रुपये बिक्री में बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी सोयाबीन के काफ़ी रेट हाई है, इस वजह से 100 ग्राम है केवल 20 रुपये की, नहीं तो पहले 200 ग्राम देते थे। 20 दुकानदार को देते हैं ये अपने देते 14 रुपये की, दुकानदार 20 रुपये की, 6 रुपये पैकेट के दुकानदार इसमें 6 रुपये कमा सकते, बहुत बढ़िया मार्जिन दुकान। बिल्कुल, ये फ्राइम्स का पैकेट जी जी, ये 12 रुपये MRP पे है, ये अपने 120 ग्राम भरते हैं जी, दुकानदार को 8 रुपये का देते हैं, 10 रुपये बिक्री में रहता है, और ये अपना 20 रुपये का ही बनता है 250 ग्राम के पैकेट जी, जिसमें दुकानदार को अच्छी मार्जिन मिलती है। तो सर ये जो दुकानदारों के रेट बता रहे हैं, कोई आपसे माल लेकर दुकानदार को माल बेचना चाहे? बिल्कुल, तो सर उनके लिए क्या व्यवस्था है? हम होलसेल रेट पे माल दे सकते हैं, जैसे मान लो कोई पत्ता है, जैसे अपन मान सोडा की बात करते हैं जी जी, सोडा मार्केट में 30 रुपये का पत्ता दुकानदार को देते हैं, तो अपन होलसेलर को दे सकते हैं, आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपको होलसेल। दोस्तों रिटेल का रेट जो है सर ने बताया इसका 30 रुपये है, अगर आप बल्क में लेते हैं और ये सर का जो
माल है आप अपने शहर में बेचना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हैं, उसका रेट जो रहेगा सर आपको कॉल पे ही बताएंगे। सर और क्या बताना चाहेंगे सर? और स्पेशल हमारे कुछ चीज़ें चलती हैं खड़े मसाले। जी जी, ये रहते हैं, ये हमारे ऑल ओवर इंडिया, ये अब इंडिया में सप्लाई होते हैं। ये खड़ा मसाला जो है ये 10 रुपये बिक्री में है। जी जी, और ये 5 रुपये बिक्री में है, और एक 20 रुपये वाला बिक्री का भी है। अच्छा, ये 20 रुपये, ये 20 रुपये बिक्री। तो सर 20 रुपये बिक्री दुकानदार को कितने पड़ता है? ये दुकानदार को 180 रुपये का देते हैं, 240 रुपये दुकानदार के बनते हैं। ये सारे पाउच में 12 पाउच रहते हैं अंदर, आउटर में पर पैकेट में 12 पाउच, पर पैकेट में 12 पाउच, 5 वाला, 10 वाला और 20 वाला है। और 5 वाला 10 वाला क्या पड़ता है सर? 5 रुपये वाला देते हैं अपन 40 रुपये का, इसमें 60 रुपये दुकानदार के बनते हैं। और ये 10 वाला जैसे ये है, इसमें 120 रुपये दुकानदार के बनते हैं और 80 रुपये में उनको देते हैं, 40 रुपये का मार्जिन दुकानदार के बीच में। दुकानदार को आपने काफी अच्छा मार्जिन, काफी मार्जिन है, नहीं दुकानदार को मार्जिन देंगे तभी अपना प्रोडक्ट चलेगा, दैट्स ऑल। सीधी और क्वालिटी से भी आपने, मैं देख रहा हूँ कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जैसे क्वालिटी की आप बात करते हैं, जैसे हमारे हर प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है, हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते, ना ही करेंगे। अच्छा, आपने बिल्कुल छपा दिया, बिल्कुल लगते हैं। सबसे बड़ी बात यही रहती है क्वालिटी पे। तो गाइस यहाँ पे क्वालिटी भी मिल रही है, रेट भी अच्छा मिल रहा है, मार्जिन भी अच्छा है, और एक आपको रोजगार का तरीका भी मिल रहा है। और आपको इसको चीज़ें बता दें, कुछ जो मिडिल क्लास और हाई फाई दुकानों पर 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम के पैकेट भी बनते हैं। जी जी, ये तो स्लम एरिया में अधिकतर चलते हैं जो प्रोडक्ट में आपको बता सकता है। जी जी जी, ये 50 ग्राम के प्रोडक्ट है, इस हिसाब से खड़े मसाले, ये इसका फ्रंट, ये बैक, ये बैक है, इस हिसाब से। ये क्या पड़ता है दुकानदार को? केजी में देते हैं। अच्छा, केजी, मतलब 50 ग्राम की 20 पैकिंग आती है, 100 ग्राम में 10 पैकिंग आती है, 250 ग्राम में 4 पैकिंग आती है। ये 620 रुपये केजी चलाते हैं, दुकानदार इसको 800 से 900 रुपये तक बेच सकता है, इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन दुकानदार के लिए। अगर आप दुकानदार हैं तो भी सर से संपर्क कर सकते हैं, बल्क में लेना चाहते हैं तो बल्क में ले सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहते हैं सर आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सर कोई युवा जो बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, लागत भी कम है, जी, वो कैसे इस तरह इस व्यवसाय में आगे बढ़ सकता है? देखिए, मसाले का एक ऐसा बिजनेस है, इसमें कभी भी ये मार्केट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि रीजन उसका ये है, ये कोई भी भिखारी आदमी भी होगा या अंबानी लेवल का कोई भी आदमी होगा, जी जी जी, तो सभी लोग घर में मसाले 24 घंटे में 3 बार यूज होता है, बिल्कुल, वो मार्केट में कितने ही मसाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सभी के लगभग चलते हैं। तो सबसे पहले हिम्मत रखिए, इसको चलान रिक्स लीजिए, बिना रिक्स के आप बिजनेस नहीं कर सकते। और सर ये बिजनेस ऐसा है जिससे आप अपने गांव से, शहर से, कस्बे से, पूरे इंडिया में कहीं भी आप हैं, ये बिजनेस वहाँ भी चलना ही, आप अपने घर से भी चालू कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी इंडस्ट्री एरिया में जगह हो, ये लघु उद्योग कहलाता है, कुटीर उद्योग टाइप का, इसको घर में स्टार्ट कर सकते हैं मसाला। और सर इस बिजनेस में आपको कितना समय हो गया? मुझे इसमें 5 साल लगभग हो चुके हैं, 5 साल लगभग जी हो चुके हैं। और ये जो आप पैकिंग हो रही है, आज किस चीज़ की पैकिंग हो रही है? जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे सौंफ की पैकिंग चल रही है और जीरे की पैकिंग चल रही है। ये जीरा, ये सौंफ, ये कितने कितने, ये 10 रुपये MRP पे है। अच्छा, ये 10 रुपये का प्रोडक्ट, जैसे आपको मैंने देख सकते हैं मैडम, देखिए किस तरह से ये पैक कर रही है, इसमें स्टेबल हो रहे हैं ये, और ये पूरे पत्ते इनका कच्चा माल जो है यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो आपके काम में आपकी मदर, आपकी वाइफ, पूरा फैमिली, पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो गाइस हम भी यही चाहते हैं कि सर को पूरा का पूरा सपोर्ट मिले आपका, और आप लोग सर को बहुत प्यार दें। अगर कोई भी आपके पास बल्क में कम करी करनी है तो बल्क में कर सकते हैं, अगर आप रिटेल दुकानदार हैं तो दुकानदार के लिए से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं सर ट्रेनिंग, तो भी सर से प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और सर ने बकायदा पूरा अपना जो बैच वगैरह है पूरा कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है। और कुछ प्रोडक्ट बताता हूँ, कुछ कोई भी जानकारी है तो मैं सर का जो नंबर है व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन पे आप इनसे चैट भी कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट चलाते हैं, जैसे ये हमारे कज़न ब्रदर है, जी जी, उनका ये काव्य मसाले के नाम से भोपाल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलती है, ये धनिया पैकेट जी, इसको भी हम 3 साल से लगभग सप्लाई कर रहे हैं, जी, ऑल ओवर लगभग पूरे भोपाल में इसकी सप्लाई जाती है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, तो इनसे हम लोग 3 साल से जुड़े हुए हैं मार्केट तौर पर। इसे भी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी माल दे सकते हैं, माल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्विंटलों से चाहिए पहुंच जाएगा, रिटेल में चाहिए जैसा चाहिए वैसा चाहिए, ट्रक से चाहिए ट्रक से भी मिल जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और ये मिर्ची, धनिया, हल्दी में 4 वेरायटी आती है, 50 ग्राम में, 100 ग्राम में, 200 ग्राम में और आधा किलो में, इस टाइप की पैकिंग चलती है। इसकी क्वालिटी कैसी रहती है? इसकी क्वालिटी अपन जैसे आप बात करो, कुछ बड़े ब्रांड जो चलते हैं नाम के लिए चलते हैं, लेकिन जो भी स्टार्टिंग होती है चाहे आप करो या मैं करो, सबसे पहले क्वालिटी पे ध्यान देते हैं कोई भी आदमी, इसलिए बेफिक्र रहिए क्वालिटी में, कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जैसे हम लोग कुछ एक खड़े मसाले में भी डील करते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं मिर्ची है, जी जी, ये डायरेक्ट बल्क क्वांटिटी में मंगाते हैं हम लोग, खड़े खड़ी मिर्ची, खड़े धनिया, खड़ी हल्दी, ये सारा हम लोग होलसेल में घरों में माल सप्लाई करते हैं,
अच्छा, अगर आप एक लेडी, एक आम औरत, एक आम महिला अगर आपको ऑर्डर देती है, बिल्कुल घर से कहीं भी आता है, तो सो अपन होम टू होम डिलीवरी भी करते हैं, प्लस इसका सर्वे भी करते हैं हम, होम टू होम सर्वे करके उनको डिलीवरी घर तक फीडबैक भी लेते हैं, कैसा लगा, कोई शिकायत तो नहीं आई, और मार्केट से उनको भी लेते हैं, बिल्कुल मार्केट से कम रेट में उनको माल पहुंचा देते हैं, पर इससे अपना भी फायदा है, सामने वाला भी फायदा है, एक आम गृहिणी, एक आम महिला भी, बिल्कुल ये भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। काफी अच्छी बात कही आपने ये, और ये पूरा जो सेटअप है आपने काफी अच्छा सा लगाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मसाले वगैरह हैं पूरे, और ये इन पेटियों में क्या पड़ा हुआ है सर? पेटी में देख सकते हैं ये मिर्ची धनिया हल्दी के जो अपन डायरेक्ट मार्केट से ट्रेडिंग करते हैं इसकी, जी 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 जी, बाकी अपना मैन्युफैक्चरिंग ये रहते हैं खड़े मसाले पत्ते इस टाइप के, ये आगे आइए, ये इस टाइप से स्टोर करके रखते हैं, पूरा स्टॉक है आपका, बिल्कुल इसमें हवा बिल्कुल नहीं है, नमी बिल्कुल भी नहीं पड़े, इस वजह से इसे स्टोर करके रखते हैं। तो सर लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? बिल्कुल देना चाहूंगा, मैं तो यही बोलना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस से जुड़े, चाहे कोई भी बिजनेस हो, जरूरी नहीं मसाले का हो, कोई भी बिजनेस हो, अधिक से अधिक पब्लिक जुड़े, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ हमसे हेल्प चाहते हैं, किसी भी प्रकार की हेल्प ए टू जेड जो भी हेल्प है, तो हम आपकी बिल्कुल मदद कर सकते हैं, और काफ़ी आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं हम, क्योंकि गवर्नमेंट की हेल्प भी करवा सकते हैं आपसे। तो दोस्तों कहते हैं ना, करने वालों के लिए काम काफ़ी सारे हैं, और ना करने वालों के पास सिर्फ और सिर्फ बहाने। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा, सर से कुछ आप भी इंस्पायर्ड हुए, तो आप भी ये बिजनेस में आप आ सकते हैं, इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं है, और कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो सर मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों मिलता हूँ कुछ नया लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।